नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। उषा ठाकुर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, बेहद आध्यात्मिक, बेहद संस्कारी और पर्यटन में नित नए आयाम वो हासिल करना चाह रही हैं। सबसे पहले तो उषा जी, मेरा एक सवाल सीधा सीधा ये है, राम पथ गमन को लेकर क्या विचार है आपके मन में? शेफाली जी, राम वन गमन पथ निर्मित करना हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं उस काम को करने के लिए। और ये जो इस बार का मौका मिला, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि व्यवहारिक धरातल पे राम वनगमन पथ आपको निर्मित होता दिखेगा। कुछ हिस्सा यूपी से टच हो जाता है, चित्रकूट और ये सब लिया जाए, कुछ हिस्सा अपने मध्य प्रदेश में है, और ये हमारा सौभाग्य है कि रामचंद्र भगवान जब निकले थे वनवास पर, तो वो हमारे मध्य प्रदेश को होते हुए गए थे, तो नया इसमें क्या रहेगा? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लगभग 7 जिले राम वनगमन पथ में शामिल होते हैं, यूपी से लेकर चित्रकूट। नया यही, एक तो ये सब सघन वन है इन क्षेत्रों में, तो हम जो राम वनगमन पथ है उसकी जो कार्ययोजना प्रस्तावित भी कर रहे हैं, जो बना भी रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, हम इको फ्रेंडली, क्योंकि वो वन और उनको छेड़ते हुए ना छेड़े, प्राकृतिक परिदृश्य में ही लोग वहाँ का आनंद लें, ऐसा हम लोग कार्ययोजना को बना रहे हैं। पर्यटन में मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं और कहीं ना कहीं इससे राजस्व को भी लाभ होता है। तो पहले होता था कि पर्यटन स्थल में रुकने ठहरने की जगहें नहीं हुआ करती थी, अब टूरिस्ट प्लेसेस बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी बनाए हैं, आगे भी कुछ योजना इस तरीके की चल रही है? जी, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ से प्रस्ताव आते हैं, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि, शहर के गणमान्य लोग, और जिस प्रकार के प्रस्तावों को, क्योंकि ज़िले के बारे में वो लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हमने एक कमेटी जो हमारी जिला स्तर पर बनी है, वहीं से प्रस्ताव हम लोग आमंत्रित करते हैं और विभाग उसका निरीक्षण परीक्षण करता है, और जिसमें अपार संभावनाएं होती हैं उनको चयन करके उन पर काम करते हैं। अब महिला हैं और इस विभाग से, पर्यटन से महिलाओं को जोड़ने के लिए, खास तौर पर कि महिला अधिक से अधिक जुड़ें पर्यटन से, उनका भी घर गृहस्थी वो चला सके, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए देखिए, हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं। ओरछा, जो बहुत ही पावन भूमि हमारी है, वहाँ हमने बहनों को बैटरी वाले रिक्शा भी उपलब्ध कराए और बहनें उसको बहुत सफलता के साथ चला रही हैं। इसी प्रकार से हम जो रूरल टूरिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए और अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हम महिलाओं को ही जिम्मेदारी देकर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बहनों को हॉस्पिटलिटी की, उनको भोजन बनाने की, उनको हर प्रकार की प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह, उनकी जो स्थानीय लोक कला संस्कृति है, उसके जो कुछ भी वो बनाती हैं सामग्री, उसके लिए भी हम उनको सुवेनियर शॉप्स उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, ताकि पर्यटन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक, तो यदि उनको आसपास की स्थानीय कोई खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं तो निश्चित रूप से वो खरीद के, क्योंकि हर आदमी जो जहाँ आता है वहाँ का कुछ स्मृति चिन्ह अपने साथ लेकर जाना चाहता है, तो बहनों के छोटे छोटे कामों को एक व्यापक बाज़ार मिले, इसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ का पर्यटन ज़्यादातर हम देखते थे कि हर क्षेत्र में विदेशी बहुत, 90% 80% विदेशियों से भरा रहता था, लेकिन कोरोना काल एक ऐसा काल आया जिसकी वजह से विदेशी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतनी कमाई और उतना धंधा अब उन लोगों का नहीं चल पा रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा उनके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि उनको ये समस्याएँ ना आएँ? देखिए, बाहरी पर्यटकों के ना आने से पर्यटन विभाग बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर COVID-19 ऐसी महामारी है, इसका पालन करना, क्योंकि रक्षा, समाज को बचाना, ये सब बहुत ज़रूरी था, और सख्त निर्देशों का पालन भी विभाग ने भी बहुत किया।
हमने हमारे सारे कर्मचारी साथियों को सबको ट्रेन किया कि खुद कैसे सुरक्षित होंगे और आए हुए अतिथियों को भी कैसे रखेंगे कोविड से मुक्त। काम प्रभावित हुआ है, उनको छोटी छोटी योजनाएं भी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हमारे उन भाई बहनों की सहायक बन के खड़ी हुई हैं। संबल में उनको मदद मिल जाती है और जो निःशुल्क राशन अभी उपलब्ध हो रहा है उसकी भी व्यवस्था लगभग हमने सब दूर सारे दूर जितने केंद्र हैं हमारे, हमने कहा कि हमारे सारे कर्मचारियों को हम इन शासकीय योजनाओं के लाभ के दायरे में लाएं और जितने वो आसपास के छोटे छोटे लोग जो रोटी रोजगार से जुड़े थे उनको इन योजनाओं का लाभ मिले तो उनका जीवन कम से कम निर्विघ्न उनको दाल रोटी मिलती रहेगी। और प्रभु से प्रार्थना है कि ये हमेशा तो चलने वाला नहीं कोरोना, शीघ्र समाप्त होगा और सारा पर्यटन दौड़ पड़ेगा अपनी पटरी पर। अभी हम बात कर रहे थे तो आप दुर्गा सप्तशती पे बात कर रही थी, हमारी जो अब आने वाली पीढ़ी है वो मंत्र क्या होते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, क्या क्या महिमा है, किस भगवान की क्या कथा है, आप दुर्गा सप्तशती पे बात कर रही थी कि आप उस पर कुछ काम करने वाली हैं, क्या रहेगी योजना? देखिए हमारे यहाँ जो पद्धति है कि मंत्रों का सस्वर और जितनी आपके सामर्थ्य है उस ऊर्जा के साथ पाठ करें, ये खाली कर्मकांड नहीं है, ये साइंस है। पुणे का जो अभी संस्थान है उसने बहुत शोध किए कि हमारी तो वर्णमाला ही औषधि है, यदि असेज्ञ वो पूरी बारह खड़ी जो अपन कक्का किक्की बचपन में कहते थे उसको यदि हम बारह बार उच्चारित करते हैं ऐसी साइंटिफिक रीजंस के साथ रोगों में समूल समाधान मिला है कि आप सूर्योदय के वक्त कांच के बर्तन में अपने दाहिने हाथ को डाल के रखें और बारह बार उसका नाभि से उच्चारण होना चाहिए, आप सारे प्रकार के रोगों से तनावों से सबसे आपको मुक्ति मिलेगी और आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। और वैदिक पद्धति में इसीलिए कभी हमारे यहाँ कॉपी किताब पेन बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, गुरुजी सामने से बोलते थे बच्चे दोहरा के और कंठस्थ करते थे, तो ये शुद्ध विज्ञान है। और सप्तशती जो है हमारी वो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, मेरा दावा है जो उसका सस्वर पाठ करता है वो निर्विघ्न अपने जीवन के सारे कार्य संपन्न करता है। छोटे जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर रोजगार की कमी होने के कारण लोग पलायन कर जाते हैं, उनका पलायन रोकने के लिए आपकी क्या योजना है? उनकी पलायन के लिए भी हम लोग यही कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे कामों में वहीं, जैसे अभी मैंने अपनी विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो हमने अभी जो गौशालाएं अपनी बनी हैं तो गौशालाओं को आर्थिक आधार मिले, इसलिए हमने इस बार वहाँ गोबर से राखी बनाने का भी उपक्रम छोटा सा प्रारंभ किया था। हम उन गौशालाओं को चाहते हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हों, तो स्मृति चिन्ह भी हमने कुछ गोबर के बनवाए। हमने माननीय महामहिम से भी भेंट की थी कि आप कुलाधिपति हैं, आपसे प्रार्थना है कि सभी संस्थानों में बहुत स्मृति चिन्ह लगते ही हैं, तो यदि कोई ऐसा कोई एक प्रस्ताव आए कि गायों को आधार देने के लिए गाय के गोबर से बने स्मृति चिन्हों को ही सब विभाग उपयोग में लाए तो वो भी एक कम पूंजी का बड़ा रोजगार माता बहनों के लिए हो सकता है। हमने हमारे खाली स्थान जो विधानसभा में जहाँ पथरीली पहाड़ियाँ हैं जहाँ कुछ और नहीं हो सकता तो हम वहाँ ग्रीन इंडिया के तहत बैम्बू मिशन का अभियान लेकर आए हैं और मेरा भरोसा है कि ये बैम्बू मिशन लाखों लाख बहनों को रोजगार देगा, उनके जीवन को स्वावलंबी बनाएगा, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, वो भी सुखद स्थिति में रह पाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में बड़ा तालाब है, उसमें क्रूज़ भी क्रूज़ में भी लोग सफ़र करते हैं और नाव में भी ऐश करते हैं, तो अब उसको और सुशोभित करने का वक्त है, उसको और खूबसूरत बनाने का वक्त है और आप हैं तो जाहिर सी बात है कि वो और लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्या प्लान चल रहा है आपका? जो आपका इतना भरोसा है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और भोपाल के भाई बहनों का आह्वान करती हूँ कि वो अपने सुझाव भेजें कि वो और क्या चाहते हैं,
कि वो झील देश और दुनिया की सबसे खूबसूरत झील हो जाए। जैसे जैसे सुझाव आएंगे, आर्थिक स्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से हम उनको क्रियान्वित करेंगे। अभी हाल ही में बिल्कुल प्रदूषण मुक्त जो नाव पालदारमा प्रारंभ की है, वो एक अद्भुत सौगात है आप सबके लिए। आप उसका आनंद उठाएं और आपके जो भी सुझाव हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप सुन रहे थे उषा ठाकुर जी को। उषा ठाकुर जी बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रही थी और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है आप सुझाव दीजिए, काम करने के लिए वो बैठी हुई। उषा जी आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेफाली जी आपका भी बहुत धन्यवाद। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।